नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों ये छोटा सा वीडियो जो कि परसेंटेज के ऊपर है और इसको समझना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर हमारे एग्जाम्स में या हमारे बुक्स में दिया रहता है, तो इसको समझना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो देखिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया है, ये जो है रुपये का सिंबल बोल रहा है, 60 रुपये का 5% रुपए खर्च हो गए तो कितने रुपए बचे बताएं। दोस्तों आप कहीं भी मेला में घूमने गए हैं या कहीं भी मार्केट गए हैं, कितना रुपए लेकर? सिर्फ और सिर्फ 60 रुपए लेकर। और आपने क्या किया है, इस रुपए का 5% रुपए क्या किया है, खर्च कर दिया है। तो पूछा जा रहा है कि कितने रुपए बच गए वह बताइए। तो आपको अपने जेब में से पैसा निकालकर काउंट नहीं करना है, डायरेक्ट बताना है कि हमने इतना खर्च किया और इतना बच गया है। तो खर्च जो किया आपको पता होगा और कितना बच गया यही आपको बताना है। तो देखिए हमने जो किया है पैसा खर्च, वो हमने प्रतिशत में किया है, यानी परसेंटेज में यहाँ पर बता रहा है। तो कितने रुपये बच गया ये हमको रुपये में बताना है। तो लिखेंगे यहाँ पर सोल्यूशन, सोल्यूशन में क्या लिखेंगे देखिए, सबसे पहले 60 रुपये का 5% कितना रुपये आ रहा है तो हमको पता चल जाएगा कि हमने कितना रुपये खर्च किया है। तो लिखेंगे यहाँ पर 60 रुपये और इसका हमको 5% निकालना है, यानी 60 का तो का मतलब होता है गुना। अब देखिए 5%, तो इसमें का 5 पहले लिखेंगे और प्रतिशत के चिन्ह के बदले 5 के बट्टा में यहाँ पर हम 100 लगा देंगे। देखिए जिस भी संख्या के साथ प्रतिशत का चिन्ह लगा उसका मतलब क्या होता है कि उस संख्या को लिखेंगे और इस चिन्ह के बदले में इसके बट्टा में यहाँ पर 100 लगा दिया हमने, और इसी तरीका से आपको भी करना है। अब देखिए करना क्या है, सिंपल से काफ़ी आसान है। देखिए 60 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो 60 × 5 हो जाएगा 300 और बट्टा में क्या है 100 है, 100 है ना। 2 0 से 2 0 काटेंगे, 3 में 1 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 रुपया। यानी 60 रुपये ले गए हैं, 5% खर्च किए हैं, तो कितना रुपए खर्च किए हैं, तो सिर्फ आपने 3 रुपये खर्च किया है। यानी 3 रुपये वाली पार्ले बिस्कुट आपने खाया है, समझ लीजिए। तो देखिए 3 रुपये तो खाया है, पूछा जा रहा है कितने रुपए बच गए। तो सिंपल सा जितना रुपए आप ले गए थे ना उसमें से जो खर्च किए हैं इसको माइनस कर दीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पर बचा हुआ रुपए, क्या लिखेंगे, बचा हुआ रुपए। उसमें क्या करेंगे, जो मूल रुपए है ना, यानी 60 रुपये में से ये वाला 3 रुपये हम माइनस कर देंगे जो कि मैंने खर्च किया है। जब 60 में से 3 माइनस करेंगे तो 0 में से 3 तो घटेगा नहीं, इसमें से खर्च लेंगे तो ये जगह 10, 10 में से 3 घटाएंगे तो आप आएगा 7 और यहाँ 60 दिए हैं तो यहाँ पर बचेगा आपका 5। यानी 57 रुपये आपने बचाया है, यानी आपने बचा लिया है और आपके जेब में है 57 रुपये। और इसी तरीका से किसी भी अमाउंट का प्रतिशत या कितने रुपए बच गए यह भी आप काफ़ी आसानी से पता कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।